तो जैसे कि 2021 जा चुका है, 2022 स्टार्ट हो चुका है, 2021 के एंड पे हम लोगों को पता चल गया था कि ओमिक्रॉन नाम का और एक नया वायरस जो कि स्प्रेड हो रहा है और जो बहुत खतरनाक है, और न्यूज़ पे पता चल ही रहा होगा तुम लोगों को। अगर नहीं पता है, पता नहीं कौन से दुनिया में हो, पता लगाओ, ठीक है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये। तो इस साल भी शायद हम लोगों को घर बैठ के बिताना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग ये पिछले 2 साल बिता रहे हैं। कैसे बिता रहे हैं? नॉर्मली मूवी और सीरीज़ देख के। तो इस साल भी वही करना पड़ेगा, ठीक है, शायद, मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, अगर ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ जल्दी से ठीक हो जाए भाई, लोग काम पे निकले, वरना खाने पीने के बंदे हो जाएंगे यार। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तुम्हें टाइटल पे देख ही रहा होगा मैं आज वीडियो किस बारे में बताने वाला हूँ। हाँ, मतलब टोटल 2021 में जितने भी सुपर हीरो मूवीज़ आए हैं, जो मुझे कैसा लगा उस हिसाब से मैंने लिस्ट किया है, तो देख लेना। और थोड़ा बहुत मूवी के बारे में भी बताऊँगा, जो भी तुमने पहले देख रखा हो उसको तो देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी मन हो तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया तो लग जाएंगे कि कौन सी मूवी 2021 में आया है, ठीक है, सुपर हीरो के बारे में। तो जो भी हो, उसके बाद और भी वीडियो आएंगे मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मेरे लिस्ट के हिसाब से सबसे नीचे जो मूवी है वो सुपर हीरो जॉनर का नहीं है, पर फिर भी सबके पास सुपर पावर हैं, इसीलिए मैं ये मूवी को सुपर हीरो जॉनर के अंदर रखा है, जो कि है 4 जून को रिलीज हुआ मॉर्टल कॉम्बैट। तो मॉर्टल कॉम्बैट गेम के बारे में सबने सुना होगा और बहुत लोगों ने खेला भी होगा। तो इस मूवी का सबसे अच्छी बात है इसके एक्शन सिक्वेंस, जो कि बहुत ही तगड़ा था। स्टोरी लाइन थोड़ा बहुत कमज़ोर है, बट ठीक है, वो मूवी अच्छा है। देखो, मैं मॉर्टल कॉम्बैट का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो इस हिसाब से मैं देखूँ तो मुझे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा था, इसीलिए सबसे नीचे हैं। बट ये मूवी एक मूवी लवर के लिए बहुत ही अच्छा मूवी है, तो आराम से देख सकते हो, जो कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, हर लैंग्वेज में तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड लास्ट पे है ब्लैक विडो। देखो, ये मूवी अच्छा है, स्टोरी लाइन भी काफ़ी बढ़िया है, बट ये जो मूवी था ये था अपना ब्लैक विडो को ट्रिब्यूट देने का, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने क्या किया, किसी और कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करके मूवी बनाया और सिर्फ ब्लैक विडो का नाम यूज़ किया, इसीलिए सेकंड लास्ट पे है। इसके बाद है और एक मूवी जो कि है वेनम, लेट देयर बी कार्नेज। देखो, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये मूवी इतना नीचे क्यों है। देखो, पर्सनली मैं बोलूँगा तो मुझे ये मूवी इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। हाँ, इसका ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया था, एक्शन सीक्वेंस तो और भी बढ़िया था, इसके स्टोरी पर और भी काम किया जा सकता था, इसको और अच्छा बनाया जा सकता था, पर उन्होंने ऐसा लगा कि जल्दबाजी कर दी और ऐसे मूवी बस रिलीज़ कर दिया अपने वेनम ऑन के सक्सेस के बाद। ये जो मूवी है पूरा ख़त्म करने के बाद कुछ भी फील नहीं करवाता, सिर्फ फील करवाता इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि देखने के बाद तुम्हें पता चल ही जाएगा, मैं कोई स्पॉयलर नहीं देना चाहता। अगला जो मूवी है वो इंडियन मूवी है, जिसका नाम है मिन्नर मुरली, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुआ था 16 दिसंबर को, जिस दिन अपना स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज़ हुआ था उसी दिन। मूवी इतना ऊपर क्यों है? क्योंकि इसका स्टोरी लाइन जो है वो तुम्हें कनेक्ट करवाएगा, हीरो के साथ करवाएगा या ना करवाएगा, तुम्हें विलेन से कनेक्ट करवाएगा कि विलेन ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों हुआ है। इसका बेस्ट स्टोरी लाइन है, जो तुम देखोगे तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा, लिटरली मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। तो अगला मूवी पे चलते हैं, जो क्या हो सकता है सोच लो, इटर्नल्स। इसका जो स्टोरी लाइन है वो भी बहुत ही बढ़िया है, एक्शन सीक्वेंस वो तो और भी बढ़िया है, इसका ग्राफिक्स तो और भी बढ़िया है, और डायरेक्शन का क्या कहना, वो तो और भी बढ़िया है। जब तुम ये मूवी देखोगे तुम्हें फील ही नहीं होगा कि तुम मार्वल मूवी देख रहे हो, ये मार्वल से थोड़ा सा अलग टाइप का मूवी है, मतलब थोड़ा सा अलग है, एक्शन है, सब कुछ है, मसाला है, तुम्हें सब कुछ मिलेंगे, रोमांस है, बॉलीवुड रोमांस भी मिलेगा। ये मूवी तुम्हें देखते हुए ऐसा नहीं लगेगा कि तुम डिस्नी प्लस के मूवी देख रहे हो, ठीक है, तुम्हें फील ही नहीं होगा। ये जो मूवी है रिलीज़ हुआ था 5 नवंबर को, जो कि हॉल में रिलीज़ हुआ था। अगर तुमने नहीं देखा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिस कर दिया। तो 12 तारीख डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे फिर से रिलीज़ हो रहा है, तो ज़रूर देखना ये मूवी, मिस मत करना, बहुत ही अच्छा मूवी है। अगर हो सके तो बड़ी स्क्रीन पे देखो और अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ। तो चलो, अब बात करते हैं नंबर 3 की मूवी, जो कि मार्वल का ही रिलीज़ किया हुआ एक नया सुपर हीरो इंट्रोड्यूस किया हुआ मूवी, जो कि है द शांग-ची। इसका पूरा नाम है द शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स। ये मूवी रिलीज हुआ था 22 अक्टूबर को। ये जो मूवी है इसमें भी एक नया सुपर हीरो के इंट्रोड्यूस तो होता है, बट काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन के साथ और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ। नॉर्मली जो मार्वल के मूवी होता है, जो एक हीरो एक विलेन, बस दोनों के बीच फाइट हो गया, एक को पावर मिल गया किसी तरह, और किसी तरह मतलब खुद को ही इम्प्रूव कर लिया, फिर खुद को ही बना लिया हीरो सुपर हीरो, चाहे जैसे भी हो, समझो, मतलब किसी तरह पावर मिल जाते हैं, फिर दोनों मतलब हीरो विलेन फाइट करते हैं, बस यही कहानी होता है। बट इस पे भी हमें अलग कुछ दिखाने की कोशिश की है, और जो कि काफ़ी ग्राइंड लेवल का है। अगर तुम्हारे पास कोई जरिया है 3D देखने का, तो हाँ, ये मूवी हाईली रिकमेंडेड है कि इसको 3D में देखो, ऊपर से अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ। अगर नहीं है तो नॉर्मली देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मूवी बढ़िया था। तो चलो, अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 क्या है?
नंबर टू एक मूवी नहीं है, नंबर टू ऐसा है जो मूवी लवर्स होते हैं, हम जैसे मूवी लवर्स, उनका 2 से 2.5 साल का मेहनत है, जो कि पहले हम लोगों को ये मूवी देखने को मिला था, जो किसी और ने डायरेक्ट किया था और ने कुछ किया था, बहुत सारा लफड़ा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुआ था, फाइनली हम लोगों की बात सुना गया और फिर जाके किसी तरह बना दिया गया हम लोगों के लिए मूवी। जो लोग नॉर्मली मूवी देखते हो या फिर मूवी का न्यूज़ व्यूज़ देखते हो तो उनको पता ही होगा मैं कौन से मूवी की बात कर रहा हूँ, वो है जैक स्नाइडर का डायरेक्ट किया हुआ द जस्टिस लीग। हाँ, एक मास्टरपीस मूवी है, तो वो मूवी तो ज़रूर देखना, ठीक है, ज़रूर। इंग्लिश में है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी वो मूवी ज़रूर देखना, मिस मत करना। देखो लिटरली ये साल और भी 2 मूवी रिलीज हुआ है सुपर हीरो जॉनर का, बट उसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, सिंपल से नाम बता देता हूँ, वो इतना भी खास नहीं है और इतना भी बुरा भी नहीं है कि तुम देख ही नहीं सकते। हाँ, ये वन टाइम वॉच हो सकता है, तुम आराम से देख सकते हो, इन्जॉय करोगे, इतना भी बुरा नहीं है। एक है तो है स्नेक आई जी आई जो ओरिजिन्स, और दूसरा है थंडर फोर्स जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है, तो आराम से ये मूवी भी देख सकते हो आप। चलो एंड की बात करते हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा हूँ मैं कौन सी मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ? हाँ भाई, वही मूवी है नंबर 1 की मूवी जो कि है स्पाइडरमैन नो वे होम। बिल्कुल भाई, ये मूवी तो मास्टरपीस ही है, मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। तो जाओ पहले ट्रेलर देख लो, पता चल जाएगा क्या क्या होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। लिटरली मैं कोई स्पॉयलर नहीं देने से, अगर तुमने नहीं देखा अभी तक, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। देखो बेस्ट ऑन बेस्ट मूवी है जो कि अभी तक हॉल में कुछ कुछ सिनेमा हॉल में चल रहा होगा, फिर बहुत सारे सिनेमा हॉल में चल भी नहीं रहा है, तो वो तुम्हारे ऊपर है। अगर OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तब देख लेना, ठीक है। देखो हॉल पिन मत देखना, ठीक है, सिंपल सी बात। जो हॉल से मतलब रिकॉर्ड करके जो डाला होता है मूवी, वो बिल्कुल मत देखना, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेना, 2-3 महीने के लिए वेट करना। अगर तुम्हारे पास मौका है देखने का तो ज़रूर देखना हॉल पे ही, अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, तो सिंपल से वेट करो 2-3 महीने का, फिर नेटफ्लिक्स पे आ जाएंगे, देख लेना, ठीक है। वो ओपन मूवी, मुझे बस पता ना था कि इस साल में कौन से सुपर हीरो जॉनर का मूवी आए हैं। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ सुपर हीरो सीरीज़ के बारे में, तो जितने भी सुपर हीरो सीरीज़ जो नॉर्मली पॉपुलर हुए हैं उनके बारे में भी बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर तुम्हें ऐसे ही और एक वीडियो और ऐसे ही तुम्हें हर जॉनर के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस साल कौन से मूवी आने वाला है, सुपर हीरो हो या नॉर्मल मूवी हो, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, आने वाले वीडियो में। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, सोचो मत बस सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हम लोग मिलेंगे ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नाउ बाय बाय।